पब्लिक टीवी आपकी आवाज। आज एक तो मैं सबसे पहले अपने महानगर वासियों को, देशवासियों को और विदेशों में जो हमारे भारतीय हैं उनको, वीर जवानों को और अमर शहीदों को अपने गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं अपनी एकता सेवा समिति की तरफ से देना चाहती हूँ। और आज हमारी एकता सेवा समिति को 4 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इसके उपलक्ष्य में हमने आज भंडारे का आयोजन किया है दुर्गा मंदिर पर, और कोरोना के मद्देनज़र देखते हुए हमने अपना कोई बड़ा वार्षिक उत्सव नहीं किया, इसलिए हमने भंडारे का आयोजन किया ताकि हमारे जो महानगर वासी हैं उनको हमारी तरफ से प्रसाद, हमारी समिति की तरफ से प्रसाद मिल जाए और हमारी समिति को उनका आशीर्वाद मिल जाए। तो इस ये उपलक्ष्य आज हमने रखा था गणतंत्र दिवस के ऊपर। गणतंत्र दिवस है और वो जो आपका वार्षिक उत्सव है, दोनों संयुक्त रूप से मनाया गया। जी हाँ, संयुक्त रूप से मनाए गए हैं, इसलिए हमने गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ही रखा है ये प्रोग्राम, ताकि दोनों ही हमारे जो त्यौहार हैं वो एक साथ संपन्न हो जाए। और हम इससे ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे पूरे भारतवासी हर्षोल्लास के साथ, भाईचारे के साथ और प्रेम के साथ इस भारत नगर में, भारत देश में विचरण करें और अपने भारत को इस तरह से चमकाएं, इस तरह से उसकी चमक बनाएं कि पूरे दुनिया में हमारा भारत एक अलग ही पहचान लेकर उभरे। जय हिंद। मैं हर्षित गुप्ता एकता सेवा समिति से महासचिव हूं और पिछले 4 वर्षों से हमारी संस्था सामाजिक कार्य कर रही है। सबसे पहले तो आज गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और आज एकता सेवा समिति को 4 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश अध्यक्ष दीपाली अग्रवाल जी के नेतृत्व में आज हमने 4वां वार्षिक उत्सव मनाया है। कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को हॉल में न करते हुए हमने जनता के बीच किया, और आज राजमा चावल का वितरण करके लोगों ने इस कार्यक्रम पर धर्म लाभ उठाया। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।